पैर नहीं हो रहे ना, कोई ना कोई ना पैर पूरा कुछ गड्डी आ जाए बस। हाँ जी डन। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप करने वाले हैं होंडा अकॉर्ड 2023 या 24 भाई 2023 का रिव्यू। तो भाई अपने पीछे जो भाई है उन्हीं की गाड़ी है, बट भाई थोड़ा भी कैमरा शायद, तो भाई अभी कैमरे के आगे आना ही चाहते हैं। बट तुम्हें गाड़ी का रिव्यू देंगे पूरा, भाई के साथ पीछे कमेंट्री सुनते रहेंगे, जो चीज़ मेरे को नहीं बताएगी भाई बताता रहेगा। तो भाई सबसे पहले क्या चीज़ दिखानी चाहिए गाड़ी की, आपको सबसे पसंदीदा चीज़ क्या लगती है गाड़ी की इस बारिश में? परेशान भी हो रहे हैं आप वैसे तो, बट कोई नहीं, सहलेंगे तुम्हारे लिए। सिस्टम वधिया था, साउंड सिस्टम वगैरह ते स्क्रीन वगैरह। चलो आ जाओ। मेरे को वैसे भाई का तो सिस्टम सबसे अच्छा लगता है, मेरे को सबसे अच्छे इसके पैर लगते हैं एसी वेंट्स, बड़े मतलब यूनिक से हैं और परेशान भी करते हैं क्योंकि इनमें वो नहीं लगा सकते तुम फोन माउंट लगाने की जगह ही नहीं है, तो इसके लिए भी डिफरेंट वाले आते होंगे। और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। इधर आओ पहले, ले आओ दिखा थोड़ा सा। ये देखो भाई, पहले ही गाड़ी अपना वेलकम कर देती है। वेलकम विक्रम, भाई का नाम विक्रम है तो भाई को पहले ही वेलकम कर देती है। चलो भाई स्टार्ट करें गाड़ी, ये देखो। और अभी तो मैं लग रहा होगा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं है, बट गाड़ी स्टार्ट है, जेन्युइनली गाड़ी स्टार्ट है। और अभी ये देखो, स्क्रीन चेक कर सकते हो तुम, स्क्रीन बहुत बढ़िया है। एंड एसी वेंट्स मैंने तुम्हें बता ही दिया, मेरे वन ऑफ द फेवरेट है और बहुत प्यारे हैं, बहुत स्लीक से हैं। लाइट लोइट भी पूरी है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। और साइड में फिर अब आप आ जाते हैं सिस्टम में क्या क्या है। आ जाओ भाई अंदर आ जाओ तुम भी। तो भाई इस साइड देख लेते हैं डोर पे, पहले गाड़ी अनलॉक करते हैं। तो डोर पे देख लो, डोर पे हैं अपने ऑटो मिरर्स, कोई टेंशन नहीं है। और मेमोरी सीट्स भी हैं, सेट भी कर सकते हो साथ में, पीछे वाली भी खुल जाती है, सारा कुछ है। और यहाँ पे अपना क्रूज कंट्रोल है, ये क्रूज कंट्रोल है। एंड एक और चीज़ भाई जो मेरे को लेट पता चली थी इसकी, वो थी ये वाला फीचर, बड़े स्मूथ से रोलिंग। मेरे को लगता था ये वॉल्यूम का है, पता नहीं किस चीज़ का है, बट लेकिन बाद में पता चला कि स्क्रीन का है। और स्क्रीन पे सारा कुछ डिस्प्ले हो जाता है, काफ़ी प्यारी गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एंड सारे फंक्शन हैं जो जो हो सकते हैं। और मेरे को लगता है ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बीमर से बहुत रिजेंबल करती है कई कई चीज़ों में, जो कि जैसे मेरे को इसका स्पोर्ट्स मोड लगा, तो एक बारी इस पर ध्यान ड्राइव मोड, तो अभी देखना। अभी यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स मोड लगाऊंगा तो इकोनॉमिक है। जैसे एक बीमर 323 आई है भट्टी वाली, अगर तुमने देखी हो तो उसमें भी अगर आप जब लगाते हैं तो देखो स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे स्क्रीन चेंज होती है ऐसे। और ये मेरे को बहुत ही क्लासी लगती है और गाड़ी भागती भी बढ़िया है। और एवरेज इसकी ये है अपनी, कौन सा मॉडल कौन सा अपना भाई है? टूरिंग है ना, टूरिंग है। सो ये अपनी हाइब्रिड है, सो इसकी एवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी मैं स्किप डोर डैश करने के लिए चलाता हूँ इसको, भाई की वजह से, भाई ने कर रखी है इतनी बढ़िया। और भाई गाड़ी चलाने में इतनी ज़्यादा स्मूथ है, कोई हिसाब नहीं है। और पता ही नहीं लगता मतलब गाड़ी से, मतलब मैं अभी इसका तुम्हारे को ओनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि हफ्ते से गाड़ी मेरे पास ही है और बिल्कुल एक्सपीरियंस स्मूथ है। अभी मैंने कोई भी इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी भी चलाई है, लेकिन उसके बाद भी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है गाड़ी कि मतलब चिपक के चलती है रोड से। और प्रेजेंस भी, रोड प्रेजेंस अच्छी है, कलर भी इतना बढ़िया है। और जो आज के टाइम में तेल इतना महंगा है, एवरेज भी इतनी अच्छी है। और जो कि एक और मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी, इसके अंदर स्पीकर भी बॉस के हैं भाई, ये देखो बॉस के स्पीकर हैं, जो कि सेम अपनी पोर्शन में है। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब होंडा कहते हैं, मतलब ऐसे तो इंडिया में और पाकिस्तान में तो होंडा बहुत ही ज़्यादा मानने वाली गाड़ी है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कि हाँ चलो होंडा बहुत ही रिलायबल है, बट ये वाली रिलायबल के साथ स्पोर्टी भी है, लुक भी अच्छी है, क्लासी भी है, एंड ऑब्वियसली रिलायबल और तेल तो है ही चुम्मा। और ये आप लगा देते हैं इकोनॉमी में। और ये देखो इसका इंडिविजुअल मोड है, जिसमें तुम अपनी तरफ से ट्रैक ट्रूक भी कर सकते हो सेट, स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड जिसमें ठीक ठाक चलेगी, और इकोनॉमी, इकोनॉमी पर चलाते हैं तो इकोनॉमिकल बंदे हैं आप, मज़ा आता है इसको इकोनॉमी पर चला के। और उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन भी बहुत प्यारी है इसकी, देख सकते हो तुम। एंड इसमें यहाँ से सब चेंज हो जाता है, एंड इसमें सब कुछ है, अलेक्सा, स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, कारप्ले भी है, कारप्ले भी कनेक्ट कर सकते हो, तो सारे फीचर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम चाहो सब है। मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है। एंड उसके बाद इसके एसी वेंट्स भी बहुत प्यारे हैं, एसी वेंट्स कह रहा हूँ सॉरी, एसी के फंक्शन भी बहुत प्यारे हैं, देखो एसी ऑन ऑफ। एंड उसके बाद इसमें सनरूफ भी है भाई, जेन्युइन बहुत बढ़िया सनरूफ। ऐसे मैंने आज तक खोली नहीं भाई, सही बताऊँ इसकी नहीं खोली है, रात को खोली थी, अब खोलनी नहीं चाहिए वैसे तो, प्यारी सनरूफ है। एंड इसमें भाई कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं तुम्हें,
अभी मैं देखो पीछे इतना खुला होकर बैठ सकता हूँ एंड इतना ही स्पेस जितना आगे है ना उतना ही पीछे है। और पहली गाड़ी है जिसमें हम पांच बंदे बैठ के भी ऐसे गए थे कि ठीक है, क्योंकि बीइंग अ सेडान, कनव का फोन आ रहा है इंडिया से, और बीइंग अ सेडान इतना स्पेस पीछे वाली सीटों पे बहुत ही रेयर मिलता है। पोर्शा में बिल्कुल नहीं है, बीमर में ठीक है, होंडा एक अकॉर्ड है, मानव के पास भी है वो 2006 है, वो है कूप है, तो उसमें तो पीछे ऑब्वियसली नहीं बैठ सकते क्योंकि बैठने में दिक्कत है। बीइंग अ फोर डोर गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल है। तो भाई से पूछते हैं इसका प्राइस कितना है एंड भाई को कैसी लग रही है, भाई के पास खुद की गाड़ी है तो। हाँ जी भाई बताओ गाड़ी कितने की पड़ी आपको, क्या एग्जैक्ट प्राइस है? 60,000 दी पैगी गाड़ी, 60,000 ऑर्डर थी, 60 दी गाड़ी पैगी ते बाकी तो कार बढ़िया ही है, बाकी तेल ना तो बहुत सही है क्योंकि पहले मैं दूजी चलाई है। हां ठीक है, तो बात है वो गैंड लगी है भाई। सेम भाई का और मेरा एकदम सेम एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी ऐसे खून पीने वाली गाड़ी चला रहा हूँ, भाई ने भी वो चलाई है, तो भाई को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जेन्युइन बता रहा हूँ, आंसू आ जाते हैं जब ऐसे लगता है यार इतनी ज्यादा गाड़ी कैसे चलती है। सिर्फ 20 का तेल डलवाओ और भूल जाओ, वो वाला सीन है इसका, 20 रुपए का नहीं $20 का कहीं ऐसे समझो। और $60,000 की गाड़ी है भाई, ऊपर टैक्स लगेंगे? नहीं टैक्स नहीं, टैक्स के साथ है। ओके 60,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, तो 60,000 में बहुत प्यारी डील है भाई। मतलब वैसे तो बहुत महंगी है जेन्युइन, तो $60,000, बट 2023 है, कंपनी वारंटी है, कितने चार पाँच कितने साल की है, चार पाँच साल की तो होगी कम से कम, और उसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तो क्या क्या ही दिक्कत है। मतलब कि 100 रिकमेंड है भाई अगर तुम होंडा अकॉर्ड चलाने, और मैं बता रहा हूँ एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो, तुम अपने आप प्यार में पड़ जाओगे इस गाड़ी से। जितना ने भी चलाई है ना, टेस्ट वाला फीचर है क्रूज पे करी थी, कौन सी वो अपना क्या कहते हैं, क्रूज से जेड़ा साइड दे कर रहे हैं, देख दिया। अच्छा देखे नहीं, नहीं मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा हाँ हाँ ठीक है हाँ भाई, इसमें वो भी फीचर है उसका नाम नहीं पता मेरे को, मतलब अगर गाड़ी जब चल रही होती है तो तुम्हें साइड वाली गाड़ियां भी दिख रही होती हैं, जैसे और किसी में मैंने ज्यादा देखा नहीं है चीज, टेस्ला में भाई सही कर रहा है टेस्ला। और अगर तुम जा रहे हो तुम्हें साइड की गाड़ियां भी चलती दिखती हैं कि हाँ इतनी पास है और साइड में रुकी हुई है अगर कोई गाड़ी, तो इसमें बहुत फीचर है जेन्युइनली, बहुत ज्यादा प्यारी गाड़ी है। मतलब वॉल्यूम सुना देते हैं इसकी, चलो साउंड सिस्टम पे बॉस के है, लेट्स गो। कनेक्ट करना भी बहुत ईजी है, टच है सारी स्क्रीन, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को एसी वेंट्स इसके जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, तुम बता तुम्हें कैसे लग रहे हैं एसी वेंट्स? मेरे को तो एसी वेंट्स बहुत ही ज्यादा स्लीक लगे इसके, मतलब डिफरेंट थे और पतले पतले भी आ जाते हैं सब में, बट लेकिन इन्होंने जो डिजाइन बनाया ना इसकी वजह से ऑब्वियसली फोन माउंट करना मुश्किल हो रहा है, बट लेकिन जो लुक आ रही है ना वो बहुत ही प्यारी आ रही है, बड़ी लग्जूरियस ही फील देती है गाड़ी। अब तुम देखो ऐसे 0.5 के स्टांस में देखो, अगर गाड़ी सिर्फ ऐसे देखो, यहाँ पे बाबा जी भी हैं थटे को, एंड भाई है फ्रॉम तरन तारण, वो कौन से गाने बोलती है कुछ पता नहीं लगता, कुछ भी नहीं है। देखो इसके ऑन करके नहीं आता हूँ, देखो ऊपर चढ़ते हैं भाई तेल के डंडे, और ये स्पीडोमीटर बड़ा क्लासिक लगता है, इसको एसी उस पर लगा देते हैं हीट पे। तो भाई अब तुम्हें सुनाते हैं गाने एंड इसका पहले वॉल्यूम बटन चेक करो कितना प्यारा है, और ये क्लिक भी हो जाता है, ऑडियो पावर ऑफ हो गई, ऑन हो गई। कॉपीराइट आ जाएगा, बस दैट्स फाइन। तो और कुछ देखते हैं, कुछ दिखाने वाला रह गया तो, वरना फिर वीडियो करते हैं एंड, और एक बारी 0-100 में तुम्हें रास्ते में चलता हुआ दिखा दूंगा। तो भाई एक और चीज़ बताते हैं इसका, इसमें हीटेड स्टेयरिंग भी है, और जिनको नहीं पता वो क्या होता है, जब ये बटन दबाओ तो ये वाला स्टेयरिंग एकदम गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं कि जलने लग जाता है बट एकदम पकड़ने में, जब क्योंकि कनाडा में यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो सुबह सुबह जब बर्फ या ठंडे ठंडे मौसम में तुम बाहर आओ ना तो स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ऐसे ठंड ज़्यादा लगती है, तो ये स्टेयरिंग भी गर्म हो जाता है। सीट्स तो ऑलरेडी हैं हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों ही हैं, और दोनों तरफ की हैं, और मेरे हिसाब से पीछे वाली भी है ना, क्योंकि पीछे कल प्रणव बैठा था तो वो बता रहा था पीछे की, तो मैं लुक दिखाते हैं, वैसे तो मैंने गंद बहुत कर रखा है बट लेकिन दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ी इंसानियत वाला सामान करते हैं, तो यहाँ पे अपना वो भी है, कप होल्डर्स भी हैं, तो गाड़ी पीछे तो फुल चिल है और जगह भी पूरी है, और हीटेड स्टेयरिंग सीट्स वगैरह तो है। तो मैं एक बार इसके बैक ट्रंक भी दिखा देता हूँ मैं, कि बैक ट्रंक में कितना स्पेस है, जजमेंट करना बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है अभी मैंने लेकिन दिखा देता हूँ आ जाऊँ। और एक बारी बाहर की लुक चेक कर लो, तो ये देखो
आई नो वैसे तो ये सबसे पहले दिखानी चाहिए पर लेकिन हम डिफरेंट करते हैं ना, चेक करो एकदम प्यारी लुक है बाहर से, बहुत ज़्यादा जेन्युइन। और एलोए देख रहे हो, सब कंपनी स्टॉक है, सब कंपनी के दिए हुए हैं। होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड टूरिंग, पहले मैं देख लूँ बैक टॉक दिखाने लायक है या नहीं है। नहीं है इधर स्पेस तो पूरा है, बड़े गंदा लग रहा है। तो बैक ट्रंक में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तुम बस मेरी बात पे यकीन करो वरना देखोगे तो तुम ऐसे डिस्गस्टिंग हो जाओगे कि ये क्या कर रखा है भाई तुमने, भरोसा हट जाएगा, तुम अनसब्सक्राइब कर दोगे। तो दैट वाज इट, होंडा टूरिंग 2023 हाइब्रिड। सो 100 रिकमेंड, पर पक्का जाके अगर तुम्हें प्लेन ही हो तो भाई 100% लो, टू मच वर्थ इट है। बस 1.5 साल की बुकिंग है, अच्छा फिर मत रहने दो, पर मिल जाती है थोड़ी बहुत चली हुई, मिल जाती है 2-3 हज़ार चली हुई, बट बहुत बढ़िया मिल जाती है। एंड इसका गैस टैंक देखो ऐसे ही खुल जाता है, अंदर से नहीं अनलॉक करना पड़ता। सो लाइक से सब्सक्राइब टू द चैनल, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई बकचोदी के साथ। सी यू, बाय, लव यू ऑल।